अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट रेजिडेंस परमिट इन तुर्की इस्तांबुल। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप विजिट वीज़ा पर आए हुए हैं तुर्की इस्तांबुल में, तो उसको आप किस तरह रेजिडेंस उससे किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसको कैसे वर्क वीज़ा में चेंज कर सकते हैं, वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नए दोस्तों को मैं अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रेजिडेंस परमिट के तकरीबन चार अकसाम हैं, जो कि फर्स्ट जो है शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट है, ठीक है, तो जो कि तकरीबन एक साल से दो साल का होता है, एक साल से दो साल तकरीबन इसकी डेट होती है। उसके बाद आता है दोस्तों फैमिली रेजिडेंस परमिट। फैमिली रेजिडेंस परमिट तकरीबन 3 साल का होता है। उसके तीसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट वीज़ा। तो उसके बाद आता है लॉन्ग रेजिडेंस परमिट वीज़ा। तो दोस्तों, मेरा जो विजिट वीज़े के मतलब है वो शॉर्ट रेजिडेंस परमिट को मैं आज आपके सामने बयान करूंगा। तो दोस्तों, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से वो, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जो कि आप किसी भी शहर के लिहाज से कर सकते हैं। आप अनकरा के हिसाब से करना चाहते हैं, आप अजमेर, आप सेंसुल या इस्तांबुल के लिहाज से जो है करना चाहते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा विजिटर तो नहीं है इधर, तो इस वजह से बहुत जल्दी ये रेजिडेंस परमिट आपको मिल सकता है। तकरीबन इसके लिए 1.5 माह से 2 माह रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए वो है पासपोर्ट या पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, उसके साथ आपकी पासपोर्ट साइज़ 4 फोटोज़ ज़रूरी होती है। उसके साथ दोस्तों आपकी रहाइश, जहाँ ने रहाइश ली है, या आपके बिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो वो ज़रूरी होता है। और उसके साथ जो अम्मी अब्बू का नाम वगैरह रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों, ये थी रिक्वायरमेंट। इसको आपने एक इधर गुच अदारा है, गुच नाम के अदारा से है, जो कि इकामत है उसकी वेबसाइट। तो दोस्तों, उसमें आपने जो है ना वो सबमिट कराना होता है। उसके बाद वो आप लोगों को एक डेट दे देते हैं, इस डेट पर आपको वो बता देंगे कि उधर से आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन, कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरा इंस्टाग्राम नीचे है दोस्तों, मैं भी आपकी इसमें भरपूर हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों, अगर आप ये सब को दिक्कत है, आपको मुश्किल आता है, तो दोस्तों आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको एक अच्छे कंसल्टेंट का नंबर दूंगा, ठीक है, आप उससे रब्ता करके वो आप ये सारी प्रिपरेशन करके आपको बआसानी 1 से 2 माह के दरमियान आपकी जो रेजिडेंट परमिट है वो आपको दिलवा देगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। और अगर कोई आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस